मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब जमना तो बड़ा अच्छा है लेकिन आपने पानी नहीं रखा कमरे में, देखो होटल वालों ने हमें मिनरल वाटर नहीं दिया। तो उनको भी लगा कि ये गलती कैसे हो गई, तो उन्होंने होटल के मैनेजर को फोन किया है इतना बड़ा सुपरस्टार आया हुआ है तुमने पानी नहीं दिया अभी तक कमरे में, तो होटल वालों ने कहा नहीं यहाँ जो नल से पानी आ रहा है वही पीना है, यहाँ अलग से पानी नहीं रखा जाता। और आपको आश्चर्य होगा, पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि हम जिस वातावरण में लग रहे हैं उनका भला ही नहीं कर रहे हैं कि जो नल से पानी आ रहा है उसको पिया जा सकता है। कौन उस पर दिल्ली में गांव में हम लोग जिंदगी भर चांपा वाले हाथ से चलाते थे और दूसरा अगर कैसे पीते थे वैसे ही पीते रहे पानी। तो मुझे पता चला कि जो नल का पानी आ रहा है उसके उसी बगल में एक छोटा सा पतला सा अलग नल है और उसमें पीने वाला पानी, बाकी हाथ को धोने के लिए नहाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही जल प्रहरियों का सम्मान होता रहा, ऐसे ही लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सोच को भी हम सभी समय समय पे उसको बड़ी दूरदर्शिता को देख रहे हैं। और जल शक्ति मंत्रालय श्री यूपी सिंह जी जो सचिव है जल शक्ति मंत्रालय के स्वयं उपस्थित होकर आपका सम्मान कर रहे हैं। और तो जो हम अभी मिले हम लोग क्या बहनों का नाम क्या है, जल सहेलियां, हमको तो लगता था कि उन लोगों का और ज्यादा अनुभव सुनना चाहिए। ताली बजाओ जल सहेलियों। इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ।